स्टूडेंट्स झेले हैं इतने दिन, काफ़ी संघर्ष किए हैं, काफ़ी डिप्रेसिव सिचुएशन था उनके लिए। मैं छात्रों के हित में हमेशा काम करती रहूँगी और उनके लिए हमेशा खड़ी रहूँगी, चाहे अपने सरकार के विरुद्ध बोलना पड़े या फिर जो भी कदम उठाना पड़े। और हमने वही किया है और हमेशा करा है और करती रहूँगी। देखिए, मुझे ये पूरा उम्मीद है कि कैबिनेट से पहले इन सारी चीज़ों को पूरा करने का कोशिश किया जा रहा है और कोशिश सफल भी रहेगा। और पेंडिंग जो रिजल्ट है वो भी कैबिनेट, वो भी ये आचार संहिता कोड ऑफ कंडक्ट के पहले ही मुझे पूरा विश्वास है कि उसको, क्योंकि प्रयास यही है हमारी सरकार का, हमारा यही प्रार्थना था माननीय मुख्यमंत्री जी से, उन्होंने बोला कि हम भी यही चाह रहे हैं। और निश्चित रूप से मुझे विश्वास है हमारे आलमगीर आलम, हमारे CLP लीडर भी लगे हुए हैं इसको जल्दी कराने में। देखिए, ये सरकार निश्चित तौर पर युवाओं की सरकार है और युवाओं के प्रति बहुत संवेदनशील है, और मुझे तो नहीं मालूम है कि आत्मदाह वगैरह की, लेकिन मैं तो आपसे भी निवेदन करूंगा कि इन शब्दों का भी इस्तेमाल आप लोग नहीं करिए, क्योंकि ये शब्द ही महापाप हैं कि कोई अपने जीवन लीला को समाप्त करे, इससे बड़ा पाप नहीं हो सकता है। और पूरी तरीके से सरकार गंभीर है और युवाओं के साथ कहीं भी सौतेला व्यवहार नहीं होगा। युवाओं के जो उनकी आशा विश्वास है, उस आशा विश्वास पर सरकार पूरी तरीके से वचनबद्ध है। लेकिन उनका कहना है कि पिछले 245 दिनों से वो लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन सरकार कर रहे हैं। देखिए, मैं भी युवा हूँ, मैं भी लड़के यहाँ तक आया हूँ, बहुत बार मैं जेल गया, मार खाया, पुलिस ने यातना दी, तब मैं लड़ भिड़ कर आया। तो ऐसा नहीं है, हताश निराश होने की ज़रूरत नहीं है। आशा निराशा में भी आशा और आशा में भी निराशा होती है, तो इसलिए जीवन संघर्ष है, संघर्ष के साथ ही युवा आगे बढ़ता है। अच्छा, जमशेदपुर में राज्यपाल गए थे, बोल रहे थे कि जो ये आरक्षण है 77% का, वो गैर संवैधानिक है, राजनीतिक लाभ के लिए आप लोग जो है बार बार भेज रहे हैं उनके पास। नहीं, हम तो ये बात कर रहे हैं कि जातिगत जनगणना की बात कर रहे हैं। जब जातिगत जनगणना हो जाएगी तो बहुत चीज़ें स्पष्ट होंगी। अब तो जो बाबा साहब अम्बेडकर का जो आरक्षण का नीति है, उस नीति को ही जो है पूरी तरीके से मृत प्राय बनाने का काम जो है केंद्र की सरकार कर रही है। आप देख लीजिए, जितने भी भारत सरकार के उपक्रम हैं सब निजीकरण के हवाले हो जाएंगे, और जब निजीकरण के हवाले हो जाएंगे तो बाबा साहब अम्बेडकर का कौन सा रोस्टर लागू होगा? क्या निजी कंपनियों पर आरक्षण की नीति लागू होगी? जब BSNL है, CCNL है, चाहे वो MTNL है, चाहे कोक है, चाहे वो रेल है, चाहे वेल है, चाहे जहाज है, सब यदि निजीकरण के हवाले हो रहे हैं तो ये कहीं ना कहीं बाबा साहब के आरक्षण नीति का, ये जो है खुलम खुला आरक्षण नीति को समाप्त करने की एक सोची समझी साजिश रची जा रही है। पेपर लीक मामले पर क्या कहिएगा बन्ना जी लगातार? नहीं, पेपर लीक मामले पर तो हमने कहा है कि SIT का गठन हुआ है, सरकार ने बहुत कड़े नियम बनाए हैं, थोड़ा सब्र कीजिए और जो भी लोग दोषी हैं उनको कड़ी से कड़ी सजा दी जाएगी। SIT को भरोसा नहीं है अब? विपक्ष को तो हम सीना चीर के भी दिखा देंगे तो भरोसा नहीं होगा। वो कत्ल भी करते हैं तो चर्चा नहीं होती, हम आए हैं भरते हैं तो हो जाते हैं बदनाम। आप उनसे पूछिए ना, बनारस में जो हुआ है पेपर लीक का मामला, उस पर ये चुप्पी साधे हुए हैं, उस पर तो कुछ नहीं बोल रहे हैं। उस पर क्यों नहीं बोल रहे हैं? उस पर भी इनको बोलना चाहिए, लेकिन वहाँ तो ये चुप्पी साधे हुए हैं। लाइव लगातार के वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाना न भूलें।